वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो नई वीडियो जो है वो है हमारे संडे ड्राइव के बारे में। सो अभी टाइम हो रहा है 4:46, ठीक है भाई, अगर देख पाओगे। ठीक है, सुबह के 4:46 हो रहे हैं। तो अभी का प्लान क्या है, बाय 5:30 हम लोगों ने पहुंचना है पीतमपुरा फ्लाईओवर। उससे पहले मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरी जब मॉर्निंग होती है तो मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सबसे पहले मैंने विशाल को पिकअप करना है, देन आई हैव टू गो टू करोलबाग, वहाँ से मैंने सूरज को और आकृति को पिकअप करना है। सो इट्स अ वेरी बिग डे, वी आर गोइंग टू समथिंग डिफरेंट वाला जो रोड होता है उसमें जाने वाले हैं। सो इट विल बी अ सुपर फन, लेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। सो चलते आगे और देखते हैं कि आज क्या कुछ करने वाले हैं। और बाकी स्विफ्ट लेके जा रहे हैं, केवल रीज़न बीइंग कि आज जो है एक ही गाड़ी, लंबा ड्राइव है तो जिप्सी ज़्यादा उधर भगा नहीं पाएंगे उस रोड में, तो स्विफ्ट को लेकर चलते हैं। लेट्स सी कि गाड़ी कितनी टॉप स्पीड तक भागती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। मुसाफिर के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं विशाल भाई को पिकअप करने के लिए, और विशाल भाई जो है आज पहली बार टाइम से पहले आ चुके हैं। ठीक है, पहली बार टाइम से पहले आए हुए। लॉक्ड है भाई गाड़ी। सो भाई कैसा लग रहा है, पिछली बार जब हम संडे ड्राइव में गए थे तब हमारे पास चैनल नहीं था, इस बार चैनल है भाई। चैनल है और इस बार धमाका होने वाला फिर से, धमाका होगा भाई। ठीक है भाई, तो हम लोग निकल रहे हैं करोलबाग, थोड़ा विशाल भाई जो है बीच बीच में बढ़िया बढ़िया शॉट्स निकाल लेंगे। ठीक है भाई, हाँ भाई चले चलो। ओके गाइस, तो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, करोलबाग पहुंच गए। आकृति जरा कैमरा पकड़ ले। ठीक है, सो पीछे दिखा दे जरा कौन कौन है पीछे हमारे दोनों। नमस्कार। तो चमत्कार भाई आ चुके हैं एज यूजुअल, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स भाई कहां पर, भाई पानी की बोतल भी लाओ पीने के लिए। पानी की बोतल भी लाया, ठीक है। 120 किलोमीटर चलना है, 140 जाना है। चलो भाई लेट्स गो। तो संडे ड्राइव के लिए यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, रीजन बीइंग कि जो लोकेशन थी वो मेरी तरफ से एग्जैक्ट नहीं थी, जो कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग प्रिफरेबल वाइज अच्छी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर भाई पूरी की पूरी अपनी फैमिली आ रखी है। सो भाई सबसे पहली एक चीज़ जो कि सब लोगों से पूछता हूँ भाई, चैनल वापसी आ गया, कैसी फीलिंग है भाई? बढ़िया है, बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ भाई? बढ़िया भाई। और भाई एक टर्म पीरियड था जिसके अंदर पूरा चैनल वापसी आ गया, क्या कहोगे भैया? बिस्कुट। तो भाई सारे के सारे भाई आ रखे हैं। और भाई आज जो सबसे मेन चीज़ है जो हमने सोच रखी है, जब हमारी ड्राइव जहाँ पर भी कंप्लीट होती है यानी कि मन्नत में कंप्लीट होती है, तो आज गाड़ियों के बारे में दिखाना है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाई गाड़ियाँ नहीं दिखा रहे आप, गाड़ियाँ दिखानी है इस बार, है ना? जैसी भी गाड़ी हो भाई आज हमने शो करनी है, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स जो जो जिस जिस गाड़ी से आते हैं उनके बारे में बताना है। भाई आज कौन सी गाड़ी लेके आए हो? आज कौन स्कॉर्पियो लाए हो? इसमें स्कॉर्पियो में है सिस्टम फुल, इसमें फुल पावर है, तो एक बार देखना बनता है। मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया ने किया, किसने काम किया मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया ने? तो भाई दिखा देंगे। और भाई भी जुड़े हैं, भैया क्या नाम है भैया? हरिंदर जी। और भाई क्या नाम है? अक्षय भाई। और भाई ठीक है, और कोई भाई जो न्यू फेसेस है भाई थोड़े से? ठीक है ना, बाकी तो सारे न्यू फेस देखा है, हम तो पिछली बार मिले हैं, फर्स्ट टाइम है क्या भाई? मेरे शक्ल क्या होता है सेम शक्ल के देना, एक भाई आया था ना। पता क्या होता है, कोई न्यू फेस नहीं है, जो मुसाफिर फैमिली है ना वो मुसाफिर फैमिली ही है। ठीक है भाई, भाई से पहले मिला हूं, भाई से पहले मिला। चलो भाई ठीक है, तो हम लोग 10-15 मिनट वेट कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट लीविंग। और भाई सब कुछ जो है वो बढ़िया तरीके से फ्लो में चल रहा है। आज फिर से एक लड़का था जिसने थोड़ा सा कोशिश करी कि सब कुछ खराब हो जाएगा, तो भाई हमजा भाई ने थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हमजा भाई क्या किया था आपने? भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुमने एक जगह पीला गाड़ी एक जगह पीतमपुरा लेकर, अच्छा ओला ओला लाला लेके आ गया था यार, ये स्कूटी से आया हुआ आज, स्कूटी से आया हुआ, बात सही करो पहले। सही
बुलाओ। अरे गुरु जी इधर सारे हाय हाय करने जरा, हाय हाय करने जरा सारे बंदे, हाय 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 हाय, गंदी हरकतें कर रहे हैं। हम जाए यार फिर वही टी शर्ट वाली बात मत कर, 135 वाली। मुसाफिर भी आप ही कर देना एक बार, है ना, अको आप ही कर दो। है गुरु जी हमारी भी शक्ल देख लो, हैकर। तो गाइस हमारे रिजुल भाई ने सही बोला, नाम सही बोला ना, रिजुल 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 भाई ने थोड़ा जू जू वाला वाला, ठीक है। तो भाई हमको ये गिफ्ट किया भाई, देखो एक बार लिखा भी है मुसाफिर, क्या बात करा, हमें दिखाई नहीं। तो गाइस आज का जो हमारा लाइनअप है वो हो चुका है रेडी, और सबसे आगे जो चल रहा है वो मेरा कृष्णा भाई चल रहा है, ठीक है भाई, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, हैं अभी किस चीज का इंतजार है, चल ही रहे सारे, जाम लग जाएगा भाई, बैठो दो मिनट। तो भाई सबसे आगे जो आज लाइनअप में गाड़ी है वो है कृष्णा भाई की, ठीक है, और पूरा लाइनअप एक बार चेकआउट कर लो उधर, ठीक है भाई, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, अकेले चल रहा है, नहीं एक और है, दूसरा आ रहा है, बंदा आ रहा है ना, तो फिर स्टार्ट कर दो, चलना स्टार्ट कर, चलो भाई फिर लाइनअप स्टार्ट हो रहा है। बारी आ चुकी है कि मैं भी गाड़ी के अंदर बैठ जाऊं, वैसे मैं पीछे बैठना प्रिफर नहीं करता, लेकिन सर आप है ना, आप लेग रूम दिखाते हैं ना, तो आज लेग रूम का मजा लो ना, आज लेग रूम इतना है भाई। हमजा को कॉल कर दो ना, विशाल इनके साथ रुकियो, भाइयों के साथ ना, भाई को एक बार बैठने दे, हमजा बैठ गया ना गाड़ी में, पूछ लेना एक बार, कॉल इन तो बैठा ही होगा, इधर भी तो रोड में खड़ा हुआ होता, बैठा ही होगा, उससे पहले कॉल आया था, अरे छोड़ के चले गए, सही में फोन आया था, छोड़ के चले गए, सही कह रहे। तो गाइस हमारा सेकंड स्टॉपेज पॉइंट जो है वो बाईपास के बाद था, ठीक है, गाड़ी के सारे जितने भी लोग हैं भाई वो सारे के सारे यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके खड़े हुए हैं, और सब लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं अपने तरीके से, पूरे सबके सब लोग लेफ्ट हैंड साइड में रुके हैं, सबसे अच्छी बात यही लगी है, और सबके सब जो है भाई वो इन्जॉयमेंट फुल पावर चल रही है, ठीक है। अभी हमारा एक वेट हो रहा है, एक भाई आने वाले हैं APS टेक वाले हमारे, ठीक है, उनके आने का ही मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद निकल, भगवान के दर्शन करा दो, देख रहे हैं सामने आप लोग, हाँ भाई देख लो, ये देखो जहाँ मेरी उंगली है, हाँ सूर्य देव आ चुके हैं, आ चुके ना, हम भी आ चुके हैं, नमस्ते। अरे चमत्कार भाई फिर से जमीन में गिर गया, वो कह रहे हैं हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, 10-20-50 दी हैकर को देना। तो भाई अभी हम लोग रुके हुए हाईवे में, और थोड़ा सा मतलब चिलिंग सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, और जैसा आप लोगों ने कहा था इस बारी जब हम मन्नत पहुंचेंगे वहां पर मैं आप लोगों को एक एक गाड़ी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मॉडिफाइड हो नॉर्मल हो कैसे भी देखने में हो, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंच जाएगी। और अभी तक कैसा चल रहा है भाई, थोड़ा एक बार बता दो, बढ़िया हवाबाजी चल रही है, हवाबाजी सबसे खतरनाक कौन चला रहा है, स्पार्क वाला भाई, भाई नहीं 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 सबसे खतरनाक, अरे नहीं ये भाई चला रहे हैं, हम आई एम ए प्रूफ, चलो भाई चलो चलते हैं, चलो चल उठा दो सही तभी तो चलेंगे,
यार तुमने तो जमीन से उठाया मुझे यार। तो गाइस जब भी आप लोग ड्राइव में होते हो तो भाई थोड़ी सी दिक्कतें आ ही जाती है, तो भाई की जो है अभी गाड़ी थोड़ी सी पंचर हो गई है और भाई ने मुसाफिर का स्टिकर भी लगाया हुआ, देख लो एक बारी। तो क्या कह रहे हैं भाई, आ रहे असिस्टेंट वाले? आ रहे असिस्टेंट से बात हो रही है अभी, आएंगे। हाँ आएंगे, वो ले रखा होगा ना आपने? हाँ रोड साइड असिस्टेंट, ठीक है हमारा भी करवा दो यार। तो भाई अब जो है होने वाला है सबसे दमदार वाला चीज, जो कि है हम लोग गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं, कितनी टॉप स्पीड हम भगाते हैं, जो कि आपने कैप्शन में देखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मजा आने वाला है, गेट रेडी। और अक्कू पीछे बैठी है। हम लोगों ने क्या किया है, केवल तीन लोग ही गाड़ी में होंगे, चार लोगों के तो गाड़ी ज्यादा दबेगी, ठीक है। तो इट शुड बी परफेक्ट। तो भाई करते हैं टेस्टिंग और आपको मजा है। सो गाइस देखो अब बारी आ चुकी है टेस्टिंग करने की, टॉप स्पीड भगा के देख रहे हैं। आगे जो है माहौल अच्छा बना हुआ है, टीम जो हमारी पूरी चल रही है वो टीमें आगे निकल चुकी है। ऑल दो थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैफिक बन रहा है अभी रोड में, मतलब जितना हाईवे में होना चाहिए उतना ही है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी हम रोड का वेट कर रहे हैं कि साफ हो जाए और उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। यहाँ आपको डिजिटली दिखता रहेगा लेकिन डिजिटली जो है वो इतना परफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसके थ्रू ज्यादा अच्छी तरीके दिखा पाऊंगा। तो विशाल भाई कर दो, घोड़े खोल दो, घोड़े खोलो। ऊपर देखते रहो, भाई 120 हिट हो गई है, तो उसमें लाल लाइट जल गई है, वहां पर 130 थी, कोई बात नहीं अभी टॉप निकालेंगे, टेंशन मत लो। पर पहले कह रहा हूँ ये चीजें जो भी हम कर रहे हैं ये हम ओपन हाईवे में कर रहे हैं, वी डोंट रिकमेंड इट टू डू इट, लेकिन भाई कभी कभी करना, जैसे हम लोगों को खाली रोड मिली है, जैसे भाई खड़े ब्रेक मार रहा है देख रहे हो, तो ऐसे हाईवे में थोड़ा ऐसा बच के इसलिए चलना पड़ता है, ठीक है। तो विशाल मेरे को पूरी रोड खाली दिख रही है, तो भाई दिखाओ जरा चमत्कार। AC सब कुछ बंद है अभी, पहुंच गए 130 टच हो गया ना। इस पे गलत दिखा रहा है, इसमें थोड़ा सा पीछे दिखा रहा होगा, वो 140 चल रहा है चौथे गियर में, चौथे गियर में ना गाड़ी देख, चौथे गियर में, पांचवे में डाल, थोड़ा खींचने दे। चलो भाई 140 टच हो चुकी है, भाई अब थोड़ा सा ब्रेक आ गया। कितनी टच हुई? 140 हो गई ना। सो गाइस देखो अभी हम लोग जो है वो मन्नत ढाबा पहुंच चुके हैं, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो एसी वाला अपना मतलब बेसिकली सेटिंग होता है वो बंद था, एसी वाला बंद था यार, मैंने खुलवा कैसे दिया मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चमत्कार हो गया चमत्कार हो गया यार ये तो ओके करो यार। तो भाई ये भी खिला अपने चैनल वाले भाइयों को ना, ये खिलाओ, ये खिला खाना जरा, वो हरी वाली चटनी बहुत बढ़िया लगती है। तो भाई सबके सब बैठ गए, ठीक है। ओके गाइस तो हम लोग जो है अभी खाने का पूरा सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर भाई मोटर कॉन्सर्ट वाले भैया पूरे ड्राइव में नहीं आए थे, लेकिन विद फैमिली जो है हमारे साथ मन्नत में ज्वाइन किया। भाजी चैनल वापसी आ गए, क्या कहना है? मेरी भी मोटी ने कहना है, क्या कह, वो बड़ी टेंशन में थी। अच्छा है भाई, मजा आया कि नहीं आया चैनल वापसी आ गया तो? बहुत मजा आया ना भाई, अब भाभी कह रही भैया जब शॉपिंग कराएंगे तो और मजा आएगा। सूरज तो बैग दिलवाएंगे कहते रहते हो, वो पर्स पर्स होके पर्स के अंदर एक 50,000 की गड्डी भी डाल दे। 50,000 का है, 50,000 का है। क्या खा रहे, क्या खा रहे भटूरे? यस कृष्णा कार सीट कवर लाइए। ओके गाइस तो बारी आ चुकी है कि आप लोगों को अब थोड़ी सी डिफरेंट चीजें दिखाई जाए। तो भाई आज के लिए जो भाई अपनी गाड़ी लेके आए हैं, एक बारी नाम पहले भाई का पूछ लेते हैं, क्या नाम है भाई? दीपांशु भाई हमारे साथ है। दीपांशु भाई ने इसको पूरा रैप कराया है, भाई इसको क्या बोला जाता है एक बार पहले ये बताओ भाई। नाड़ो
लियोनार्डो ग्रे पे रैप पे ग्राफिक करा रखी है। ये ग्राफिक करवा रखे, तो सबसे पहली चीज चलान के लिए कुछ होती है दिक्कत? भाई चलान है ही आई। चलान है टूटते ही पकड़ेगी। तो रोज चलती है गाड़ी की नहीं चलती है? कभी कभार चलती है ना। ये भाई बिल्कुल सच बात भाई ने बताई। इसके साथ में मेरा भाई यहाँ पर है, तो भाई एक चीज बताओ, फीचर जो गाड़ी में अगर बात करूं मोटा मोटा जो काम कराया गया है वो क्या क्या काम है एक बार बताओ। इसमें ग्राफिक कराई हुई है, ठीक है, टेल लाइट है, हेडलाइट है, फॉग लैंप है। ठीक है, एक बार हम लोग चेकआउट कराए थे लोगों को, तो भाई एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। जो हेडलैम्प है उसके अंदर आप लोगों के प्रोजेक्टर फिट किए गए। इसी के साथ में ये कौन से वाले है भाई जो प्रोजेक्टर नीचे लगे हुए? ये ज़ेनन प्लैनेट के ऊपर और नीचे दोनों। और इसका रिस्पॉन्स रात को? रात को बस ऐसा कि बंदे चौंधे हो जाते हैं, समझ लो चौंधे हो जाते हैं। भाई कहाँ गए ओनर भाई? हाँ, तो भाई क्या रिस्पॉन्स है लाइट का जो है? बिल्कुल सामने क्लियर बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बढ़िया है भाई। भाई कह रहे आंख भी नहीं खुलती भाई। चलो भाई बढ़िया है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखोगे फ्रंट के उससे लुक बहुत बढ़िया है। और अगर एलॉय के बारे में बात करें भाई, ये जो है BBS ओरिजिनल या फिर कैसा? वैसे ही है, करोलबाग से। करोलबाग वाला लुक क्या नाम था उसका? चक्रावील से लगवाया, जहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी वाली। ठीक है भाई, तो भाई बढ़िया वाला लग रहा है, गाड़ी देखने में काफी अच्छी है। भाई जो सबसे जरूरी है, जो कि आज आप पूरे बजाते हुए आए हो, जरा इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना दो लोगों को। ठीक है भाई, पीछे चेकआउट करा रहा हूँ। और कैट हटा रखी है? डीकेट है, डीकेट है, कस्टमाइज। देखो भाई देखो, तो भाई अब ये बताओ ये क्या करवा रखा भाई? पूरा आवाज पूरी फुल पावर भाई, फिल्टर लगा रखे कैनन का, ठीक है, और डीकेट करवा रखा, डीकेट करवा रखा, कस्टमाइज सब हुआ है, एग्जॉस्ट है। ठीक है भाई, एक बार अंदर भी देखे कुछ, अंदर भी कुछ कराया? सीट कवर लगा रखे भाई ने, और नॉर्मल जो है आपका सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो भाई एक चीज बताओ, अट्रैक्ट तो बहुत लोगों को करती होगी गाड़ी है, जहाँ से गुजरते हो वहाँ से। तो भाई अगर अगली बारी भाई से कभी मिल रहे हो तो बता देना भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया बना रखी है। और एक चीज बताओ, जैसे लोग रैपिंग कराते हैं तो लाइफ क्या रहती है उसकी, मतलब कितने साल चल जाता है? उनके ऊपर है चलाने के ढंग। अच्छा, चलाने का मतलब संभाल के रखनी पड़ती है, अगर कोई खरोच मारेगा तो दिक्कत आई जाएगी। तो न्यू पार्ट फिर हमें फिर से करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर से कराना पड़ता है। और मैच हो जाता है? हाँ, मैच हो जाता है, फिर वही चीज मिलता है वहाँ पे। अच्छा, वही चीज मिलता है, वही है कि आप उसी शॉप से करवाएं, ठीक है, तो फिर आपको वही रैप मिल जाएगा। चलो भाई बढ़िया है। और पीछे के अगर आप लोग टेल लाइट के बारे में बात करोगे, तो टेल लाइट ये कस्टमाइज करवाई है या फिर आती है? ये ताइवान इम्पोर्टेड वाली जो आती है वही लाइट लगवा रखी है। ठीक है भाई, एक बार एग्जॉस्ट नोट बहुत बढ़िया लगा मेरे को, गाड़ी का जो कलर है जो कॉम्बिनेशन है वो भाई ने बहुत बढ़िया बना रखा है। एंड ये मैं जो है भाई यूजली ढूंढ रहा था ये कहाँ से मिलेगा, तो भाई ये वही वाले जो स्विफ्ट विफ्ट में चलते हैं? ये ऑटोबोट से है। अच्छा, ये ऑटोबोट से लगवाए थे आपने, तो बढ़िया चल रहे हैं ये मोमेंट फ्री? ये सिस्टम के कारण, ये सिस्टम के कारण है। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आप लोगों को आई गेस समझ आ गई होगी। तो भाई का फीडबैक हमने इस बारे में ले लिया। इसके बाद आप लोगों को मैं एक गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये गाड़ी जो है ये मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया ने तैयार करी है। इसमें कैसा है क्या है सीधे ओनर से बात करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग एलॉयज की तरफ चेकआउट करो। तो हमारे जो भाई ओनर है एक बार वो आ जाते हैं। हाँ ठीक है, तो भैया एक चीज़ बताओ, पहले i20 से धमाका किया था, अब स्कॉर्पियो लेके आए हो, तो स्कॉर्पियो में सबसे पहले एलॉयज के बारे में बात करते हैं। एलॉयज का क्या कहना है? ये 22 इंच है, 22 इंची। ये मर्सिडीज के ओरिजिनल है क्या? नहीं नहीं, रेप्लिका है। रेप्लिका है, चलो भाई देख लो, ये भी भाई ने सच बताया, नहीं तो लोग बोलते भाई ओरिजिनल लगवा रखे हमने। और एक चीज़ अट्रैक्शन पॉइंट अगर देखा जाए तो लोग मतलब जब गाड़ी को देखते तो कैसे, मतलब नजर एक बार घूम के देखते कि नहीं देखते? नहीं, अगर ये सड़क पे चल रही है तो इसे देख रही है, देख रही है इसको बोले। चलो भाई बढ़िया। और पाजी सिस्टम के बारे में थोड़ा बताओ, आपने अपग्रेडेशन किया, क्या अपग्रेडेशन किया? बड़े डिसेंट, और देखो लाउड इनकी कैटेगरी है, ही लाइक्स हिज बेस टू बी लाउड, तो उसी हिसाब से बहुत अच्छे स्पीकर्स लगे हैं, और एक अच्छा हैवी 15 इंचेस हमने सब लगाया। और गाड़ी का प्रोफाइल बहुत ही क्लीन है, हफ्ते में 2 बार तो ये डिटेलिंग करवाते हैं अपनी गाड़ी। हफ्ते में 2 बार 2 बार डिटेलिंग होनी होनी है भाई, ये भी शौक है भाजी है, मतलब आपको प्रोफाइलिंग देखे तो ब्लैक ओनली अलॉयज वही गेटअप खींच जाती है। अभी मैं आपको पॉड भी दिखाऊंगा इनके। चलो आ जाओ, कस्टम पॉड देखते हैं, आवाज बंद करवा दो पूरी, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो मैं उस तरफ से आ रहा हूँ। सो देयर यू गो गाइस। और मतलब ये वही पॉड है भाजी जो मैंने देखे थे उधर जब मैं आया था एक बार, या उससे पहले तैयार हो गए थे? ये पहले जो आपने देखी थी वो रेड स्टिचिंग में थे, ये हमने इनके इंटीरियर के हिसाब से ब्लू स्टिचिंग में बनाए थे पूरे पॉड। और डीडी की सीरीज लगी हुई है, बीसी सीरीज, 50,000 रुपीस का कंपोनेंट है ये। 50,000 का ये कंपोनेंट आता है? सिर्फ फ्रंट का कंपोनेंट आता है, ऐसे हमने बुलेट ट्विटर्स इनके पीछे डाले हैं। बुलेट ट्विटर एक बार चेकआउट करते हैं। ठीक है भाई, प्लेसमेंट देख लो आप लोग, और गाड़ी भी काफी अच्छी बना रखी है भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। एक चीज और बताओ, जैसे
कोई अगर अपग्रेडेशन कराना चाहता है ऐसा, तो मतलब ये डिसेंट लेवल में आता है या फिर डिसेंट से ऊपर का आता है? ये डिसेंट से ऊपर का सेटअप है, क्योंकि इसमें चार कंपोनेंट्स हैं, एक बुलेट ट्विटर है, और ये जो भी हमने इनका कस्टम इनक्लोजर बना के पूरा 15 इंचेस का सब लगाया है डीडी का। ठीक है, क्योंकि इनको एक सीट की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि एक इनका कहीं का इनका कोई घर से कोई ना कोई बैठना होता है कई बार वगैरह, तो उसके लिए इन्होंने एक पोजीशनिंग नहीं थी, नहीं तो बॉक्स हम अक्रॉस लगाते हैं नॉर्मली, तो इस टाइप की पोजीशनिंग इन्होंने डिमांड करी थी कि हमें ऐसा बॉक्स चाहिए। तो अगर इसका एक बजट पूछा जाए, एक रफ आइडिया, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम गाड़ी में बाहर आवाज नहीं सुनाते, हम अंदर बैठ के क्लैरिटी, ये बाहर वाली आवाज भी है, तो इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप आगे से देखेंगे तो एसक्यू सेटअप बनाया है, लेकिन जब हम लाउड चाहे तो हमारे पास बुलेट ट्विटर है और हेवी बेस सेटअप भी है। ठीक है भाई, यहाँ पर लोगों का फीडबैक ले लेते हैं भाई। तो भाई कैसा लग रहा है भाई सेटअप देख के? बढ़िया है, बढ़िया, मजा आ रहा है, कैसा लगा उसका रिपोर्ट? ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट है भैया। कैसा लगा सेटअप देखा आपने? मस्त है, बढ़िया। जो आप लोगों ने फुल सेटअप सुना है वो भैया की गाड़ी में पूरा ये सेटअप किया गया था। सबसे पहली चीज जो कि मैं नॉलेज के लिए हमेशा बंदे से पूछता हूँ, भैया सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है? बढ़िया सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब ये है कि इससे भी बेटर हो सकता है? नहीं, इससे ऊपर हम जा रहे हैं ना अभी। अभी इससे ऊपर और जा रहे हो? हाँ। भाजी क्या होने वाला है अब, क्या बम लगा रहे हो क्या? डबल होने वाला है, डबल होने वाला है, मतलब डबल के बाद फिर और अच्छी आवाज का आउटपुट हो जाएगा। देखो बेस का थंप और बढ़ेगा, फिर उसको एनहांस करने के लिए दो कुछ ट्विटर्स और ऐड होंगे, तो फिर ये धीरे धीरे, देखिए लेवल में तभी कहता हूँ कि धीरे धीरे, चाहे 30,000 का सेटअप अगर 15-15 में करो, अगर 3 लाख का सेटअप है तो लाख करके करो, मतलब वर्थ है करवाना है। और एक चीज, डॉक्टर है तो है, डॉक्टर है ये, डॉक्टर कह रहे डॉक्टर है ये, तो ये जो दवाई दे रहे वही दवाई ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और एड ऑन करके मेरे को वैसे समझाना, जैसे बहुत सारी ऑडियंस है जो छोटे बच्चे भी देखते हैं हमारी इस वीडियो को, तो वो अगर अपने घर वालों को कहते नहीं यार हमें 1,00,000 रुपये का सिस्टम लगा के दो, तो उनको कुछ बोल दो पहले कि भाई कैसे प्रिपरेशन करो, मतलब ये नहीं कि सीधे लाख रुपए लगवा दो। नहीं, शौक पूरे करो, खुद कमा के पूरे करो, पूरे हाँ खुद कमा के करो। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे घर वाले स्पेंडिंग करके काम करवाए, तो मतलब कुछ उनको बताओ कि कैसे कैसे हल्का हल्का स्पेंडिंग कर सकता है। जितना मर्जी करो, उनके फादर के बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने मेरे से सिर्फ 20,000 का एक कंपोनेंट लगवाया था। ठीक है, उसके बाद ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग धीरे धीरे, और मतलब वो सक्सेसफुल रहा है। उस दिन मेरे को जज करने आए थे कि हाँ ये मेरा टेस्ट समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, और भाई वो मतलब बढ़िया बढ़िया रहा वो चीज़ का, है ना? तो भाई ये एक बहुत बढ़िया फीडबैक है। और आप जैसा बोलते हो हर वीडियो में, मतलब जब भी हमारी संडे ड्राइव होती है एक गाड़ी हटके होनी चाहिए, तो आप लोगों को आई गेस दो गाड़ी दिखा दी तो मज़ेदार होगा, बढ़िया। इसी के साथ होता है आज का ये व्लॉग एंड। आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से पूरा माहौल चेंज हो गया। सो वहाँ पर मैंने एंडिंग करी थी, लेकिन वो मैंने फ़ोन से करी थी और वो मेरे से समहाउ डिलीट हो गई, तो इसीलिए एंडिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिली। लेकिन ऑल द व्यूअर्स, ऑल द पीपल जो मेरे को मुसाफिर स्क्वाड के पार्ट बने हुए मेरे, ऑफकोर्स ही बात है, और जो संडे ड्राइव्स में आते हैं भाई, बहुत एक कहते ना कि एक प्लेजर होता है बिल्कुल आप लोगों से मिलना, क्योंकि आप लोग बहुत डिफरेंट चीज़ें शेयर करते हो, आप बहुत अंधा प्यार जो है वो मेरी तरफ दिखाते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। क्या पता उस टाइम पे ना बोल पाऊँ, लेकिन आई ऑलवेज मीन इट, एंड आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं चैनल की वापसी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने इतना मोटा सपोर्ट रखा था, एंड जितना बोलूँ उतना कम रहेगा, एंड आई लव यू ऑल फॉर दैट। और संडे ड्राइव कैसी लगी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना अगर वीडियो पसंद आई है। अगर आपको लगता है मुसाफिर अच्छा काम कर रहा है, तो भाई मुसाफिर को इंस्टाग्राम में जाके प्यार दिखाओ, लिखो MUSAFIR 7811, यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर स्क्वाड और आपका भाई वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। सो संडे ड्राइव्स में आओ, एवरी सेकेंड जो संडे है, फोर्थ संडे होता है, उसमें हम ये संडे ड्राइव करते हैं, आप लोग आओगे बहुत अच्छा लगेगा। सो विद दिस सेट गाइस करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड